ऐसा नहीं का? ठीक है ठीक है, अच्छा चलो। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे हम देख लेंगे। क्या रे यादव, अभी तक काम नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ भाई। टेंशन मत लेना, मेरे जीजाजी तेरा काम कर देंगे सिंपल में। अबे गन से क्या खेल रहा है, जल जाएगी तो सीधा ऊपर चला जाएगा, समझे? क्यों बेटे, माल अभी तक नहीं आया। बेटा पैसा पैसा है, बिजनेस बिजनेस है, और फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप है, तीनों अलग अलग हैं। समय से अगर माल नहीं आया ना तो मैं क्या करूंगा मुझे ही नहीं पता। शाम तक माल इधर होना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। मेरी बात समझ गए ना? फोन रखो। कहाँ आया तो? कहाँ हुआ, क्यों आना हुआ? बस ऐसे ही मिलने आया हूँ भाई। क्या हुआ, नरसिम्हा दिखाई नहीं दे रहा है? नरसिम्हा पता नहीं भाई। सुना है तुम और नरसिम्हा मिलके कोई डील कर रहे हो? भाई वो बहुत छोटी डील है। 10 करोड़ छोटी डील है क्या? तुम्हारे लिए बहुत बड़ी डील है जीजाजी, लेकिन इसके लिए बहुत छोटी सी है। नरसिम्हा का फोन नंबर बताओ, जीजाजी डील करेंगे उससे सिंपल में। वो नंबर 4890-9849065299 वही है ना? हाँ, रिंग हो रहा जीजाजी, बात करो सिंपल में। बेटे कैसी तबीयत है त्रिपाठी? बात क्या करनी है, 10 करोड़ का डील छोटा है? सबको धंधा करना है ना। बिल्ली को अंधी समझकर चूहे को बचना नहीं चाहिए। एक बार इधर आ जाना, तुझसे बात करनी है। जीजाजी सिगार जला रहे हैं, मतलब कोई तो जरूर मरने वाला है सिंपल में। अगर बात समझता तो बच जाता सिंपल में। 10 करोड़ की डील छोटी डील नहीं है बेटी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? यहाँ पर इंसान लोग हैं तो इसलिए हेल्प चाहिए, और अगर कोई नहीं होता तो? देखो डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि डर को भगाना चाहिए। अरे भागो, अरे भाग रे भाग, इसके हाथ में कोई तो है। अरे भागो, अरे भाग रे भाग, भागो। माँ कॉफी आपसे ही, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कॉफी चाहिए। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए भी लाना। What? मैं और कॉफी लाऊं? मैंने मंगवाई अपने लिए। मैंने भी मांगा। ये क्या रिएक्शन, जाकर लेकर आओ। रिक्वेस्ट है, ऑर्डर। ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऑर्डर? अरे बाप रे, मैं देश की सेवा करने वाला ऑफिसर हूँ। पहले माँ की सेवा करो, बाद में देश की सेवा करना। पहले जाकर कॉफी लेकर आओ। दिस इज टू मच। बेटा सिविल एग्जाम लिखकर आया है, आखिर कैसे लिखा होगा, जरा भी टेंशन है आपको? मुझे क्यों टेंशन, मेरे बेटे पर मुझे पूरा भरोसा है। अरे ठीक है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, क्लैरिटी नहीं, कॉफी। मुझे भी चाहिए ना। आह कैसी माँ हो, तुम जैसी माँ होनी चाहिए। मैं तो हूँ। तुम्हें कॉफी लाकर बताता हूँ।
भीमराव जिंदाबाद, भीमराव जिंदाबाद, भीमराव जिंदाबाद, भीमराव को 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 जिंदाबाद। क्या है ये? मुझे देखकर भी बिना देखे जैसे चले जा रहा है। ये रोज का नाटक है, चलो हम पूजा करते हैं। अरे आओ चलो ठुमके लगाते हैं। देख भांजे, अगर मैं ठुमके लगाऊंगा तो तुम यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो और वो भीमराव वहाँ पर मिनिस्टर बनकर बैठ जाएगा। बीच में मेरी हालत खराब हो रही है। उस दिन तुमने कहा कि सारा बंदोबस्त कर लो कि सच में मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा। अब ये समझकर मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, अब तो मैं पूरी तरह से रास्ते पे आ गया। अब मैं किस कुएं में जाके डूब मरूं? तुम्हें सुट्टा भी चाहिए पीने के लिए? अरे भाई मैं कब से बकबक किए जा रहा हूँ, तुम कुछ तो बोलो। अरे ये बब्बन त्रिपाठी को कुछ समझता है या नहीं? मैं कब से बकबक किए जा रहा हूँ? तुम होके यहाँ पे सिगरेट पिए जा रहे हो और दारू मिलाए जा रहे हो। सिगरेट तुम पी रहे हो, जल मेरी रही है। अरे भाई कुछ तो बोलो। यही है ना तुम्हारा मिनिस्टर बनने वाला कैंडिडेट? तुम साधारण आदमी नहीं हो। माताजी को प्रणाम करके असेंबली में जाओ। पैसे दे दे माई, माई छुट्टे पैसे दे माई। ए चल ना, जाना यहाँ से जा। माई वो भाई साहब बोले तुमसे लो, भीख दे दो ना माँ। भाई साहब? वो कौन? वो साहब, हाँ वो ही। हेलो मिस्टर, क्यों क्या समझते हो अपने आप को? हाँ पैसे नहीं है तो बेगर्स को भगा दो, उल्टा तुम बेगर्स को मेरे पास भेज रहे हो। हेलो व्हाट? हेलो हेलो, मेरी बात? हाँ जस्ट शट अप। ओके, हसीन लड़कियों को कैसे पटाना है ये तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह से आता है। देखो मैंने किसी को नहीं भेजा। तुमने नहीं भेजा तो वो मेरे पास कैसे आया? हाँ बताओ। जरा रुकोगी? अकेला लड़का मिल गया तो बस बात करने का बहाना चाहिए, तुम लोगों के लिए तो फैशन बन गया है। हे हेलो मिस्टर, ब्लडी फूल, इडियट। हटो हटो, कहाँ जाना है? श्रीनिवास कॉलोनी। 50 रुपया होगा ये? क्या 30 रुपए ही होते हैं? दाम बढ़ गया ना? अरे कल ही तो आई हूँ, रात के रात दाम बढ़ गए क्या? चलना है तो चलो, 50 रुपए ही होगा। मीटर डालोगे तो 30 भी नहीं होंगे। मीटर बीटर में जानता नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ आंटी, एनी प्रॉब्लम? देखो ना बेटी, 30 रुपए के लिए 50 रुपए मांग रहा है, जैसे कि मुझे रेट पता ही नहीं। ए नाटक क्यों कर रहा? जितने पैसे होते ना उतने लो। अगर नहीं लूं तो पुलिस को फोन करिए और करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को नहीं, मीडिया वालों को। मीडिया वाले आएंगे और आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारी होगी, तब तुम्हारी सारी चीटिंग स्टोरी पूरे शहर में दिखाई देगी। समझ गए ना, बाद में तुम्हारी पूरी तरह से वाट लग जाएगी। मुझे माफ कर दो, आप भी नहीं चाहिए, आपका भाड़ा भी नहीं चाहिए, मैं निकलता हूँ। ये क्या बेटी,
ऑटो वाले को ऐसे क्यों डरा दिया? आपको पता नहीं आंटी, डराएंगे नहीं तो इनकी समझ में नहीं आएगी। चलो अच्छा किया। तुम्हारा नाम क्या है? शालिनी। बहुत अच्छा नाम है। नाम या मैं? दोनों ही। चलो हमारे घर चलते हैं। अभी मुझे जाना है, नेक्स्ट टाइम आऊंगी। जरूर आना। हाँ ओके। सुबह हो गई। मस्त मुर्गी। माई भीख दे दो। क्यों वापस भेजा है क्या? चलो चलो। कहाँ लेके जा रही हो माई? चलो। अरे माई माई कहाँ लेके जा रही हो माई? मिस्टर, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? हाँ व्हाट व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? तुम्हें दूसरा कोई काम नहीं है क्या? इसे दोबारा मेरे पास भेज दिया? हाँ हेलो हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इसे मैंने भेजा यही ना? क्यों बे? सर तुझे मैंने भेजा क्या? सर भेजा है क्या बता? नहीं सर। मैडम को बता। सर माफ कर दो मुझे माँ, मेरी माँ। चल निकल यहाँ से। अरे भागो भागो। ठीक है ना? सॉरी जरूरी था क्या? नमस्ते बबन त्रिपाठी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। क्यों रे नायडू, मंत्री की कुर्सी कैसी रही? क्या मंत्री की कुर्सी, तुम्हारी तरह मछलियों को चारा डालते बैठता तो अच्छा था। तो फिर इस्तीफा दे दो। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मंत्री की कुर्सी को क्या समझ रहे हो तुम? कितने लोगों को जवाब देना पड़ता है पता है? प्रतिपक्ष वाले, टीवी वाले, सबको जवाब देना पड़ता है। अरे बैठोगे तो गलत, उठोगे तो गलत, किसी के बगल में सोना भी गलत होता है। बिल्कुल सही कहा। अरे किसी के साथ सो जाओगे तो ये कैमरा वाले हमें ढूंढ कर निकालते हैं। इसीलिए भगवान के नाम से जमीन हड़प ली क्या? अरे उसे मैंने कहाँ हड़पा, उसे तो सरकार ने जब्त कर ली। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। मेरे जीजाजी करे तो कब्जा और तुम करे तो जब्त हुआ, इसमें फर्क क्या है? तुम कुछ भी करोगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरे जीजाजी की जमीन की सेटलमेंट कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे सिंपल में। अरे बैंड बजाने की बात क्यों करते हो? अपने लड़कों की बात नहीं सुन रहा है ना वो? तो कल परसों मैं MRO को भेजता हूँ, तुम्हारा काम वैसे ही हो जाएगा। हो जाएगा कहने से काम नहीं चलेगा, होना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं सर आप? ये जमीन मेरे दादाजी को गवर्नमेंट ने दी है, इसे छीनने का किसी को भी नहीं है। तुम्हारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, ये ठीक है, लेकिन ये जगह गवर्नमेंट को चाहिए ना? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम कोर्ट में देख लेंगे। मेरी बात सुनो, इतनी सी बात के लिए कोर्ट तक क्यों जाना? मान जाओ मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दिलवा दूंगा, ठंडे हो जाओ। ये जमीन किसको और क्यों चाहिए, इसके पीछे किसका हाथ है, मुझे सब पता है। जो करना है कर लो, मैं कोर्ट जाऊंगा। लफड़ा क्या है? और क्या, वो बबन त्रिपाठी इस जमीन पर कब्जा जमा लेगा। वैसे भी उसे इस तरह के ओपन लैंड बहुत पसंद है। पहले तो वो लीगली अप्रोच करता है, नहीं मानो तो अपने स्टाइल में कब्जा कर लेता है। उसके रास्ते में जो भी आता है उसे वो नहीं छोड़ता। जी जो मिनिस्टर आए, मिल लीजिए। ये पकड़ो, ये कैटफिश है क्या? रेडफिश कब आएगा पता नहीं। नमस्ते सर। क्यों नायडू,
ये कर दूंगा वो कर दूंगा कहते हो, वो जमीन का मामला क्या हुआ? अरे उस बच्चे को डरा कर देख लिया हमने, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं, कहता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सिंपल में कह रहे कि आप कुछ उखाड़ नहीं सकते। अरे उसका बोलना भी सही है, किसी से भी कभी भी जमीन मांगो तो देने के लिए ये तुम्हारे बाप का टाइम नहीं है। आवाज क्यों बड़ी हो रही है, ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम एक मंत्री हो या तुम्हारी कुर्सी है? मर्डर्स करके मैंने तुझे मंत्री बनाया ताकि तू मेरा काम कर सके। नहीं बात तो सही है, मुझे ऐसी कहानियां सुनाने के लिए नहीं। अब देख मैं क्या करता हूँ। सिंपल में इन्होंने सिगार जलाया, समझो खेल खत्म। माँ माँ कितनी देर हो गई, जरा जल्दी चलो। आ तो रही हूँ, सुबह सवेरे इतनी जल्दी मचा रहे हैं, आखिर जाना कहाँ है? क्यों बताऊंगा तभी चलोगी, तुम्हें किडनैप करना है, अब चलो। अब चलो बिना। क्यों रे, मुझे बताए बिना शादी तो नहीं कर रहा है कहीं? मेरी शादी अभी कहाँ माँ? अभी बोलता है क्या रे तू? क्या अपने आप को छोटा बच्चा समझ रहा है? चार दिन के बाद कोई लड़की भी नहीं देगा तुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ कहाँ ले जा रहा है? बताता हूँ। अरे हैप्पी बर्थडे। अरे एंड ऑल्सो हैप्पी मदर्स डे। माँ के प्यार को तूने जो इज्जत दी है वो हमेशा बनाए रखना बेटा। ये क्या सेंटीमेंट? चल जा। मैडम। थैंक यू सर, इट्स ओके। में रोक लिया वरना उसे वही ठीक कर देता। मैंने तुझे इसलिए नहीं रोका, आईपीएस बनने की तेरी राह में ये सब कांटे ना बने इसलिए मैंने तुझे रोका, समझा क्या? अच्छा। भारती छोड़ो, भारती छोड़ो, चल
मिले, मेरी बेटी को छोड़ दे, ये पाप है रे। चल कह रहा हूँ। हाँ पाप है ये, अरे कमीने छोड़ दे उसे, अरे मेरी बेटी को छोड़ दे कमीने, अरे तेरा सत्यानाश हो, बेटी, अरे छोड़ दे उसे कमीने। वो त्रिपाठी का बेटा है सर। ये अपने रे में ये सर, मेरी भारती कोकल उदास का लड़का सर। वो अरे आपला पुलिस स्टेशन में ना ये। मैं वहाँ गया था लेकिन उन्होंने आपके पास भेजा। कौन बोला? अपने रे में नहीं आता है। मत रो बेटा, क्या चाहिए बोलो? हाँ बिस्किट चाहिए? तुम अच्छी लड़की हो ना? मत्रो, बोलो मुझे क्या चाहिए? ये तो सुना है, आज के लिए काफी है। क्या चाहिए बेटा? क्यों जी, वो बच्ची इतनी रो रही है, आप क्या देख रही हो? ये लो पैसे, वो देखो दुकान, जाकर कुछ दिलाओ इसे। आजा बेटे, आजा। अरे वो चोर, भाग क्यों रहा है? वो नकली सोना है, कोई काम नहीं आएगा। नकली सोना? इतना मेहनत किया और हाथ लगाई ये नकली सोना, अपनी तो किस्मत ही खराब है। Thank you.
चल पी ना। इतने आराम से तू कैसे रह सकता है? क्यों, अब क्या हुआ? तुमने किसे मारा पता है? बबन त्रिपाठी के बेटे को। तो क्या हुआ? छोटी छोटी बातों को आदमी बहुत सीरियसली लेता है। तुमने उसके बेटे को मारा है और इस बात को तुम, ठीक है ना, जोक लग रहा है? नहीं, गलती है तो इसका बेटा उसका बेटा नहीं देखूंगा। मेरी नजर में किसी का भी बेटा एक ही है। मेरा मन ही मेरा फर्स्ट चार्ज है, दैट्स इट। कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे काट कर फेंक डालो। विजय, तुम्हारा ट्रेनिंग ऑर्डर कब आएगा? जब आना होगा तब। वही, कब तक आएगा? जब वो भेजेंगे तब। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ ना, और तुम जोक मार रहे हो। चलिए कब। ये भाग भाग, ये पकड़ सो पकड़, भाग छोड़ना नहीं, भाग 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 सो पकड़। Oh!
गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ, कोई मर गया क्या? अरे कुछ बोलो। आप कोई क्या बोलेगा, सिंपल बात है, वो साला विजय है ना, उसने अपने आदमियों को बहुत जबरदस्त ढोर डाला है, इस वजह से सबकी हालत खराब हो गई है। ओ, मेरे बेटे को मारने वाले को नहीं छोड़ूंगा, मेरा दुख तुझे क्या पता। तुम जैसे 100 लोग भी आए ना तो भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। जीजू, अगर हम उसका कुछ कर नहीं सकते तो यहाँ हाथ पर हाथ धरे रहने से क्या फायदा। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इसी वक्त चलो गांव, मेरी बात मान लो सिंपल में। अरे चलो चलो भाई, तुम चलो अंदर चलो, चलो आओ। क्यों उसे कुछ नहीं कर सकते? अरे इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी वह जवान है। तो क्या? हाँ तो ये कि जवानी में करंट बहुत ज्यादा होता है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। तुम ये कैसे बेवकूफ हो जैसी बात कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे कभी तो दिमाग लगाकर काम किया करो, जोश में आकर तुमने आदमी को भेज दिया तो उसने धो दिया ना। अरे ये तो कोई सांप सीढ़ी का खेल लग रहा है, सिंपल में जाकर वापस भी आ गया। अरे तुम्हारे लिए तो सब सिंपल ही है, बिना सोचे उससे पंगा लोगे तो आग में हाथ डालने जैसा है, हाथ तो जलेगा ही। बात बताऊं? हाँ बोलो। दो लॉरी भर के आदमी को भेज दो। क्यों, वहाँ क्या कबड्डी खेलनी है क्या? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अरे अपना मुंह बंद रखो, भगवान ने सर दिया है लेकिन उसमें भेजा नहीं दिया है। ये बात अब जीजू को बोलो सिंपल में। तो फिर अब हमें क्या करना होगा? सोच कर कुछ प्लान बनाना होगा सिंपल में। सर पोस्ट। माँ। क्या हुआ? आईपीएस में सेलेक्ट हुआ हूँ, ट्रेनिंग के लिए लेटर आया है। मुझे पता था तुम अपने पिता का सपना पूरा करोगे। मुझे पता है मेरी प्यारी माँ, तुम्हें अच्छी ट्रीट दूंगा। क्यों चुप हो? ट्रेनिंग को गया तो तुमसे दूर हो जाऊंगा इसलिए? वो बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम नहीं होते हो तो मुझे टेंशन ही नहीं होता है। जल्दी आ जाऊंगा ना। जल्दी आ जाओगे ना? ट्रेनिंग में लड़कियाँ होती है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। रहती है, मुझे पता है, रोज मुझे फोन करना और मेल भी करना, ठीक है ना? ठीक है। जूस पियो। क्या रे, दिखने में इतने शरीफ दिखते हो और आफ्टर ऑल एक मुर्गी चुरा दो। आफ्टर ऑल मुर्गी कहते हैं? भारत देश में हर दिन 50 करोड़ लोग मुर्गी का गोश्त खाते हैं, 90 करोड़ लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं, और तो और महाभारत में गौतम बुद्ध को सवेरे जगाने वाली ये मुर्गी ही है। पता है, इतना ही नहीं, शाहजहां ने सीमेंट में मुर्गे का अंडा छिलका डालकर ताजमहल बनवाया था। इस मुर्गी का गोबर ही झींगे और मछलियों को डालते हैं। उस गोबर को खाने वाले झींगे और मछलियों को तुम खाते हो। और तुमको पता है हमारे राज्य में 23 जिले हैं, एक जिले में 1000 दुकान तो 23,000 दुकानें हुई। और तुमको पता है उन दुकानों पर 23,000 घर चल रहे हैं। अपने महानगर में छोटे होटलों से लेकर स्टार होटलों तक 10,000 होटल हैं। एक दिन अगर मुर्गी का आना बंद हुआ तो 10,000 होटल्स बंद हो जाएंगे, उसके ओनर्स रोड पे आ जाएंगे, शादियों में, दावतों में, फंक्शंस में। अगर ये मुर्गी नहीं आई तो निवाला ही नहीं उतरता, तुम्हें मालूम है? आफ्टर ऑल मुर्गी कहता है, अगर एक दिन ये मुर्गी नहीं रही तो असेंबली सो जाएगी, पार्लियामेंट हिल जाएगी,
गवर्नमेंट गिर जाएगी। अरे ये तो बेहोश हो गया। हेलो क्या है बाबू को ठीक होने में और टाइम लगेगा, चाहे कितना भी खर्चा करो अमेरिका से डॉक्टर को बुलाओ, उससे कुछ हो गया तो जीजू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इस वक्त बहुत टेंशन में है, इधर उधर घूम कर वो सिर्फ सिगरेट पी रहे हैं। हाँ, पहले तुम उसका बंदोबस्त करो। मंत्री जी आ रहे हैं, मैं बाद में फोन करूंगा, तुम अभी फोन रखो। आप ही बात कीजिए। त्रिपाठी तुम अभी तक उसके बारे में सोच रहे हो? अरे वो लड़का तुम्हारे सामने क्या है, एक सिगरेट जलाने के बराबर। करेक्ट। इस सब के बारे में छोड़ो और वो बैंकॉक वालों के बारे में सोचो। हाँ जीजू, वो बैंक वालों का बार बार फोन आ रहा है और तुम यहाँ सिगार पे सिगार पी रहे हो सिंपल में। मैं डर रहा था इसलिए तुम्हें कुछ बताया नहीं। हाँ चुप रहो, तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे तो दूसरे काम का क्या होगा। अरे वहाँ से बैंकॉक वालों का फोन आ रहा है, उनके बारे में भी तो सोचना है ना तुम्हें। करोड़ों का मामला है जीजू, इसे हाथ से मत जाने देना, मैटर निपटा लो सिंपल में। माँ आई मिस यू रे बेटा, तू नहीं था तो बोर हो गई थी मैं। अगर मैं यहाँ रहूँ तो वॉर, ना रहूँ तो बोर, अब पता चली ना मेरी वैल्यू। आखिर ज्वाइन कब कर रहे हो? क्यों, यूनिफॉर्म में देखना चाहती हूँ। Congrats, Mr. Vijay Saxena. Congrats. Thank you, sir. बैठो। You see, Mr. Vijay, अब तुम जो काम करने जा रहे हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब तुम्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। कोई भी कदम उठाने से पहले उसके अंजाम के बारे में 10 बार सोचना होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है बापू। वो विजय आईपीएस ऑफिसर बनकर अपने एरिया में आया है। सर, इस सिटी में होने वाले हर हेराफेरी के पीछे पवन त्रिपाठी का हाथ है, ऐसा कोई बुरा काम नहीं जो ना करता हो। इसका तो इंटरनेशनल माफिया डॉन से संबंध है सर, यह इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है। इस सब में बबन त्रिपाठी का करियर दारू बेचने से शुरू हुआ सर, इसकी पहुंच कुछ नेताओं के साथ साथ कुछ वीआईपीओ के साथ भी है और इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है सर। सिटी में इसकी बात रोकने वाला कोई भी नहीं है सर, पॉलिटिशियंस तो इसके साथ हैं ही, इसके साथ साथ वीआईपी लोग भी इसके साथ ही हैं सर। इस पे कोई केसेस नहीं है क्या? केसेस क्यों नहीं है सर, सैकड़ों केसेस हैं सर, उनसे एफआईआर लिखकर कोर्ट तक ले जाने का दम किसमें है सर? What do you mean? हाँ सर, किसी ने भी इस पर केस फाइल किया तो उसे मारकर वो अपने सोर्स से केस को रफा दफा करवा देता है सर। उसके खिलाफ जाकर अपनी जान गंवाने वाले अपने डिपार्टमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं सर। इसके सपोर्ट में कौन है? पहला उसका बेटा है, सेकंड मिनिस्टर नायडू, इस शहर में उनके करतूतों को रोकने वाला कोई भी नहीं है सर। सर उन्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता सर। हम करेंगे। कदम चल चल जुर्म को मिटा, खतरा आगे है हर पल फर्ज तो निभा, दुश्मन पे करो अब बात देर ना करो, शोलों पे चलो मेरे यार अब न तुम डरो, चाहे जो भी हो तेरी जीत हो, तेरा कर्म तेरा धर्म इंसाफ तेरा मिशन, बढ़ा तू कदम चल चल जुर्म को मिटा,
खतरा आगे है, हर पल फर्ज को निभा। किया है 25 करोड़ का नुकसान। तुम फिकर मत करो, मैं वहां आया तो वो पाताल में पहुंच जाएगा। मेरे वहां आने तक शांति से मैनेज करो। ठीक है बाबू। रुक जा, ए रुक रुक रुक। वो एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर था सर। एक केस के चलते बब्बन त्रिपाठी के अगेंस्ट काम किया तो उसकी आंखों के सामने ही बब्बन त्रिपाठी के बेटे ने उसकी बीवी का खून कर दिया। तब से ये इस तरह पागल हो गया सर। ये क्या, मुझको फोन किया? क्या रे डैनी, उस दिन दिया हुआ डोज काफी नहीं है जो वापस फोन कर रहा है? जो होना था वो हो गया, उसे छोड़। अब से हमारे साथ काम कर। तेरी तरह बहुत से लोग आए थे लेकिन मेरे बाप के ऑफर के सामने झुक गए। तेरा ऑफर क्या है बता? पुलिस मतलब ऑफर देने वाला नहीं भाई, चमड़ी उधेड़ने वाला। तेरे साथ अपने बाप को भी साथ ले आना, दोनों को देता हूँ चमड़ी उधेड़ने का ऑफर। ठंडे दिमाग से बोल रहा हूँ तो इतना उछल रहा है? ये सब पावर रहने तक ही है ना? जब पावर में नहीं था तब दिया हुआ पॉलिसिंग काफी नहीं है क्या? क्या रे, फिर भी तेरा बाप मुझसे डरकर तुझसे फोन करवाया है क्या? एए! मेरे बाप के बारे में ज्यादा बोल रहा है? एए! बंद कर। एए! एए! मैं तुझसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, मुंह बंद कर और फोन रख। इस सिटी में मैंने अब तक ऐसा सरफिरा नहीं देखा है, इसका कुछ तो करना ही होगा। मेरी बेटी साहब, उसकी तबीयत बहुत ही खराब थी, उसका चेकअप करवाने के लिए मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था साहब, लेकिन बीच रास्ते में ही मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है साहब। लेकिन उन कमीनों बदमाशों को ऐसे ही छोड़ दिया तो और ये कितनी मासूमों की जिंदगियां खराब करेंगे साहब। उन्हें छोड़िएगा मत साहब, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा साहब, ताकि वो फिर किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो उसे ऐसा लगे कि वो काली माता की तरफ देख रहा है, उसे डरना चाहिए साहब। आप ऐसा कर सकते हैं इसलिए आपके भरोसे पर आया हूं साहब। मुझे निराश मत कीजिएगा साहब,
मुझे निराश मत कीजिएगा, मुझे निराश मत कीजिएगा। ए, कौन है आप लोग, कहाँ जा रहे हो? अरे वो अंडरग्राउंड हो गया होगा सर। मैं यहाँ पर नहीं था तो तुमने सब बर्बाद करके रख दिया है? तुम लोग यहाँ किस लिए हो, झक मारने के लिए? मैं क्या करूँ जीजू, आपको तो सब पता है ना। मुंह बंद कर, अपने सारे आदमियों को फोन करके बोल चाहे वो जहाँ भी हो यहाँ पर आ जाएं। टेंशन में फोन नंबर ही भूल गया, सिंपल में। हेलो बेटा, कहाँ पर हो तुम? गेस्ट हाउस में बाबू। हाँ वहीं पर है ना? ठीक है बाबू। FIR फाइल किया ना? ठीक है ठीक है, ओके बाद में बात करेंगे। क्या हुआ, इतने अर्जेंट ले क्यों बुलाया? वो इस सिटी में रहना नहीं चाहिए। तुम क्या करोगे कैसे करोगे ये मुझे नहीं पता। तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा ना। तुम क्या देख लोगे, पहले भी ऐसे ही कहा था, तुम कहो मत करो। ठीक है ठीक है, उसे स्टेट के बाहर करवा के किसी घने जंगल में भिजवा दूंगा, तब तो ठीक है ना। और इस बीच वो अपने जीजू को ऊपर ना भेजे, इस बात का ख्याल रखना सिंपल में। अरे भाई सही है जी, गला कटे बकरे की तरह चिल्लाने के अलावा तुम्हें कुछ पता नहीं है। हाँ सही है। बात सुनो, एक सीनियर ऑफिसर की बदली करना इतना आसान काम नहीं है। ये बात इन्हें बोलिए। वही बता रहा हूँ। तुम सोचते ही रहना, पहले त्रिपाठी के इच्छा के मुताबिक उसे सिटी से बाहर भेज दो। वो हाँ सिंपल में सोचने से काम हो जाएगा, समझिए। हाँ सोचता हूँ विजय। वो तुम वो बंद करो और बात क्या बोलो, अपनी शादी की बात। शादी? अभी शादी क्यों, फिर कब करूँ? देखो मेरे साइड से मेरे भैया ने ओके कह दिया है, अब तुम्हें तुम्हारे मम्मी से बात करनी पड़ेगी, फिर हमारी शादी हो जाएगी। अरे नहीं, माँ के बारे में तुझे नहीं पता, उनका टेस्ट बहुत अलग है। अच्छा मुझे नहीं पसंद करेगी? पता नहीं, देखती हूँ मुझे कैसे नहीं पसंद करेंगी। अरे और कितनी देर लगाएगा? आ रहा हूँ। तू ना बहुत आलसी हो गया है, सवेरे रेडी होने को कहा था, अब देख कितना टाइम हो गया है। हो गया क्या? चलो निकलते हैं। चीची ऐसे जल्दी करोगे तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, फिर भी ये नहीं बताओगी कि जाना कहाँ है? क्यों बताऊँ, तभी आओगे वरना नहीं आओगे। क्यों नहीं आऊंगा, आऊंगा, वैसे भी तुम माँ हो ना। ठीक है जल्दी रेडी होकर आओ। बस अभी आता हूँ। चलो चलो चलो, अब तो बताओ ना जाना कहाँ है। ओहो तुम्हें बेचने जाना है, अब चलो। इधर 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 रुको। इधर क्यों लाई हो? बताया था ना बेचने ले जा रही हूँ। मजाक मत करो, पता तो होना चाहिए किसका घर है। अच्छा जैसे तुझे पता ही नहीं है। मतलब थोड़ा पता है। चलो अब अंदर चल चल। आई सासू माँ, बैठिए कॉफी लाती हूँ। सासू माँ ये क्या है? तो तुम इन्हें जानती हो? हाँ जानती हूँ। तो पहले बताना चाहिए ना। तुमने बताया था? अरे हम जैसों के लिए प्रॉब्लम होती है ना। क्यों रे क्या प्रॉब्लम है? हेलो हेलो, डांटोगी तो बता दूंगा क्या? बताना होगा। एक और आ गया, ये देखो हंसी बंदर जैसी है। बंदर या? अरे तू तो कम से कम बता देता। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बताता ना। तो फिर जर्नलिस्ट कैसे बन गया तू? बताना जरूरी है क्या? हाँ टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। ये क्या कर रहा है? तुम्हें लड़की पसंद है ना? बहुत पसंद है, इस फेस को इससे अच्छी लड़की मिल भी नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा, ये लड़की ही मेरी बहू बनेगी। ये लो और ऑटो में जाओ। अरे मैं तेरी माँ हूँ। इसलिए 100 रुपया दिया है। भाई की परमिशन नहीं लोगे क्या? जा बे कह रहा है माँ। अब हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। ये बबन त्रिपाठी के वेपन डील का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है सर।
अगर ये हो गया तो सिटी में तहलका मच जाएगा सर। डील कहाँ पर होगी पता है? सिटी के आउटसाइड में है सर। क्या बाजी, कैसे हो? साहब ठीक ठाक है भाई साहब, आप कैसे? बस ठीक ठाक है। हाँ, कल शाम तक माल मिल जाएगा। अच्छा तो शाम ही मिलेंगे। ठीक है साहब, जरा संभाल के। तो नमस्ते बोलो। अच्छा अच्छा बोल दूंगा यार। ए, पुलिस भागो, भागो, पुलिस भाई, चलो चलो भागो। ए, पुलिस ठीक है, हाँ मैं देख लूंगा। बोलिए सर। कहाँ हो तुम? कोलीवाड़ा में। दोनों को अरेस्ट किया है ना? उन दोनों को छोड़ दो। छोड़ने ही वाला था सर, लेकिन आप जस्ट 10 मिनट्स लेट। मतलब तुमने टपका दिया सर। विजय, अपने पावर को तुम मिसयूज कर रहे हो। मेरी भी जान है ना सर। विजय, सेल्फ डिफेंस सर। कितने लोगों को मारोगे रे? और तुम लोगों पर एक केस भी नहीं हुँ? तो तुम बेकसूर हो। तुम जैसों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। रे, चलो। सब 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 छोड़ दो सब। क्यों रे? तुम जैसों के लिए कमिश्नर का फोन है। This is your suspension order. किस लिए सर? पुलिस रिकॉर्ड में ना होने वाले इनोसेंट पर्संस को शूट करने के लिए। इनोसेंट? कौन इनोसेंट है, कौन क्रिमिनल है? मैं जानता हूं, आप भी जानते हो। नो नो मोर एक्सप्लेनेशंस। तुम्हें जो कुछ भी बोलना है फर्दर इंक्वायरी में बोलना। 2 हफ्ते में अपनी बेगुनाही साबित कर लो, अगर तुमसे हुआ तो, वरना ये सस्पेंशन ऑर्डर जाकर डिसमिसल ऑर्डर आ जाएगा। सर आपको सस्पेंड कर दिया है, एनी कमेंट्स? क्या आपको पता नहीं था वो मासूम लोग थे? सर आपका अगला कदम क्या होगा? जो कुछ भी हुआ है उस पर आपने क्या डिसीजन लिया है सर? नो कमेंट्स, इंक्वायरी के बाद सारी बातें पता चल जाएंगी। थैंक यू। त्रिपाठी, तुम अपनी सत्ता दिखा दो भाई। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन एक बात याद रख लो, सिर्फ 2 ही हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। ओनली 2 वीक्स। ठीक है। साहब। नमस्कार साहब। मेरी बेटी किसी को कोई तकलीफ दिए बिना ही चली गई। इस समाज में मेरी बेटी एक कारण से बलि चढ़ गई, दूसरे कारण से आप यहां बदनाम हो गए। इसीलिए इंसानियत के नाते मैं आपसे मिलने चला आया साहब। साहब आप कुछ करने की स्थिति में होकर भी कुछ नहीं कर सके, आप कुछ करना चाहते हैं फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आपका पावर गया उसकी चिंता मत कीजिए साहब, हर नौजवान बिना टोपी का ही पुलिस है। आप पुलिस बनकर नहीं, एक नौजवान बनकर अपना काम कीजिए साहब। गांधी जी ने बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, ऐसे 3 बातें लोगों को समझाई थी, लेकिन बुरा मत करो इस चौथी बात को उन्होंने क्यों नहीं समझाई साहब। इसीलिए अब अच्छा मत सुनो, अच्छा मत देखो, अच्छा मत बोलो छोड़कर, चौथा सिद्धांत सिर्फ बुरा ही करो, इसी बात को लेकर सब जी रहे हैं साहब। आप किसी को मत बचाइएगा, आप अपने आप को बचाइएगा देश की सेवा करने के लिए। मेरी आकांक्षा यही है, मेरी आस को निराश मत कीजिए प्लीज, मेरी आस को निराश मत कीजिए। आप जैसे लोगों से ही ये देश आगे बढ़ेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
गिरी हाँ बबन त्रिपाठी के बारे में मीडिया इन्फॉर्मेशन चाहिए। जरूर दूंगा विजय, इट्स माय ड्यूटी। पता है तुझे त्रिपाठी बब्बन त्रिपाठी, हमारा नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की सांसें चलना बंद हो जाती हैं। 30 साल से इस शहर का मैं किंग हूं, मेरे सामने कोई नहीं है, अब तक किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। ऐ, और तू हमारा बेटा पर हाथ उठाया, समझा या नहीं, या फिर दोबारा समझाओ सिंपल में। गलती किया तो तेरे बेटे को ही नहीं तुझे भी मारूंगा। ए, भाई को मारेगा तू? इसका खून निकला, मेरा क्या निकलेगा सिंपल में। ए, ये यहां से जाना नहीं चाहिए, काट डालो इसे, खत्म कर दो। अरे बाप रे, लगता है आज जीजू की खटिया खड़ी होने वाली है, मेरे यहाँ से भागना ही बेहतर होगा सिंपल में। ए, तुझे मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, मुझे देखने के लिए तड़प रहा था ना, देख ले, और दोबारा देखना चाहता है तो जीजू, मिनिस्टर ने उस दिन कहा था ना, वो करंट जैसा है उसे इस्तेमाल करना लेकिन छूना मत। अब क्या हुआ देखा ना, टच किया ट्रांसफार्मर ही उड़ गया। उसे देखकर मेरे जीजू को लग रहा था कि उसमें जरा सा भी दम नहीं है, उसमें पुलिस पावर से ज्यादा मैन पावर है। धो डाला उसने सिंपल में। हेलो, त्रिपाठी जी को किसने मारा है? ए, क्या कहा? त्रिपाठी को किसने मारा? क्या बात कर रहा है तू? हाँ, त्रिपाठी को मारने का दम किसमें है? हाँ, रखो फोन, रखो। हाँ,
हेलो भाई, की डेड बॉडी कब आएगी भाई? क्या कहा? डेड बॉडी? जीजू इससे आप बात करेंगे तो ही बेहतर होगा। लो, मुझे क्या बात करनी है बे? दीदी आ गई, ये लीजिए कॉफी। जा से, जा, जा अंदर। पहचान वाले हैं ना, मार्केट में मिले थे, कितना बोला तो भी अपनी कार में ड्रॉप करने आ गए। आप अंदर जाइए बहन जी, इससे मैं बात करता हूँ, आप अंदर जाइए। इन्हें अंदर ले आओ, मैं कॉफी बनाती हूँ। देख राजा, तुझे तेरी माँ से जितना प्यार है ना, मुझे भी मेरे धंधे से उतना ही प्यार है। मेरी आंखों से तूने नींद उड़ा दी है ना, हाँ? अब तुझे मैं कैसे चैन से रहने दूंगा? इस बब्बन त्रिपाठी से तूने पंगा लिया, क्या हुआ? अपनी नौकरी से सस्पेंड हो गया। त्रिपाठी से पंगा लेकर क्या होता है देख लिया ना? हाँ? तू मुझसे खेल खेला, अब से हर मिनट तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सोचकर तू भय से थरथर थरथर कांपेगा। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और मैं आईएमएस, इंटरनेशनल माफिया सर्विस। तेरे साथ अगर पुलिस है तो मेरे इशारे पर चलने के लिए सारा शहर मजबूर है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझ गया? तेरी वजह से मेरा जितना नुकसान हुआ ये तो सिर्फ एक सैंपल जैसा है। तूने मुझसे पंगा लिया है ना, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। तेरा सैंपल है तो ये रियल है, तुझे अभी का अभी मारकर तुझे मारने वाला दाऊद है, ये एफआईआर बना सकता हूँ। क्यों रे, मुझे सस्पेंड करवाया इसलिए खुश हो रहा है? यही तेरी सबसे बड़ी भूल है, तूने मुझे सस्पेंड किया इन दो हफ्तों में ही। तेरा आईएमएस, इंटरनेशनल माफिया सर्विस बोला था ना, उसे हिला कर रख दूंगा, नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जा, 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 जा। किसी को भी मत छोड़ना, सबको चुन चुन कर मारना। मुझे कुछ पता नहीं है, 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 मुझे पता है, मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। कदम चल चल, जुर्म को मिटा, खतरा आगे है हर पल, फर्ज तो निभा। दुश्मन पे करो अब बात, देर ना करो, शोलों पे चलो मेरे यार, अब न तुम डरो, चाहे जो भी हो तेरी जीत हो, तेरा कर्म तेरा धर्म, इंसाफ तेरा मिशन। बढ़ा तू कदम चल चल, जुर्म को मिटा, खतरा आगे है हर पल, फर्ज को निभा।
हमारे लाए हुए गिफ्ट देखकर शालिनी सरप्राइज होगी। तुम पहले कुछ मत बताना। शालिनी 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 ये क्या हुआ बेटा? उठो शालिनी 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 ये क्या बेटा, कितना टेंशन हो गया था। इडियट तेरी तो रुक भाग मत रुक चाली ए सॉरी 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 डर गए क्या? मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान जाती तो ए रोको 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 लोखंड वाला चलोगे भाई? हाँ बैठ जाओ, 20 रुपए लगेगा। हाँ हाँ वरना ऐसे ही ले चलोगे क्या? चलो हटो। रोक दो भाई। हाँ यहाँ रोक दो। आप तो लोखंड वाला बोला था ना, ये लोखंड वाला नहीं है। हाँ रोक दो, क्यों यहाँ उतरा तो पुलिस पकड़ लेगी क्या? हैप्पी जर्नी। अरे मेरा पास, अरे मेरा पास, मेरा पास गया। अरे अरे मेरा पास गया। ए, कार रोको रोको, कार रिवर्स लो, वो वही मिल जाएगा। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। वो देखो कहाँ था ना, वही है वो। अरे भाई रोको रोको रोको। फिर से आप लोग? हाँ हम हैं। बबन त्रिपाठी को अरेस्ट करने जितना इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें मिल चुका है, अब किस बात का इंतजार है? इन्फॉर्मेशन सबमिट करके उसे अरेस्ट करवा सकते हो ना जीजू? जीजू कल तुम्हारी शादी होगी तो मुझे तुम्हें जीजू कहना होगा ना, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसा क्या? हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम मेरे जीजा बनोगे इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मेरे माँ बाप होते तो उन्हें भी बहुत खुशी होती। तो फिर एक पार्टी दे दो। पार्टी चाहिए? तेरी शादी की मैं पार्टी क्यों दूँ? आजकल लड़कियाँ बहुत मुश्किल से मिलती है। शुक्र करो कि मेरी बहन की शादी मैं तुमसे करवा रहा हूँ। थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? ऐसी बात है क्या? तो फिर मैं ही पार्टी दे दूंगा जीजू। चल Yeah!
चुप हो जा। क्यों रे छोटे, कैसी तबीयत है? सारे गांव भर गए ना, मुझे ही निशाना बनाया था। क्या हुआ तेरा फ्रेंड मर गया ना? उसकी मौत देखना कितना भयानक था। तुझे मरना कोई बड़ी बात नहीं है छोटे, तुझे डरना होगा। क्यों रे छोटे? और उस डर का नाम है बब्बन त्रिपाठी। ए, पागल मरेगा क्या? सर मैं पागल नहीं हूँ सर, कुछ सच्चाई है जो छुपाने के लिए मैं पागल होने का नाटक कर रहा हूँ। मैंने और नारायण रेड्डी ने मिलकर बबन त्रिपाठी के काले धंधे के कुछ सबूत इकट्ठे किए थे सर। बबन त्रिपाठी को जब ये बात पता चली तो उसी रात नारायण रेड्डी को उसने मार दिया सर। उस दिन से मैं उन सबूतों को छुपाते आया हूँ सर, और मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। वो सारे सबूत मेरे पास है सर, ये लीजिए वो सारे सबूत। इसी फाइल के लिए मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी को बबन त्रिपाठी के बेटे ने मार दिया सर, और ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने होते हुए मैं कुछ नहीं कर सका सर, और मैंने पागल होने का नाटक करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी उसे सोने दो। चलो रे, पागल हो गया है। सो रही है, उसे सोने दो, कुछ मत करो उसे। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से जाओ। बबन त्रिपाठी का बेटा गांव के बाहर सोना बार में बैठा है, उसे मार दीजिए। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है सर, उसे जिंदा रहने का कोई। हाय स्वीटहार्ट, ओह वाओ, व्हाट अ नाइस पार्टी, कम ऑन माय वे। जहाँ टच नहीं करना था तूने वहाँ टच किया। तेरा बेटा तेरे दारू के अड्डे में मरा पड़ा है। नारायण की बनाई हुई फाइल मेरे पास है, तुझे दो दिन का टाइम दे रहा हूँ। इस बीच झुक गया तो ठीक है, वरना त्रिपाठी की बात मान लो। मैं किस लिए मान जाऊं? अब तक मैंने जैसे कहा है तुम करते आए हो, थैंक्स टू यू। अब भी मेरी बात सुन लो, उसकी बात मान जाओ तुम। उससे तो मैं विजय, तुम क्या कहना चाहते हो मैं जानता हूँ। डू व्हाट आई से। मैं भी सिंसियरिटी के साथ तुम्हारी तरह ड्यूटी करने आया था। ड्यूटी ज्वाइन करने से आज तक बहुत प्रॉब्लम्स आई,
क्या करना है मालूम होते हुए भी कुछ नहीं कर सका मैं। ड्यूटी में सिंसियरिटी को भूल कर मार कर सीनियरिटी में बढ़ता चला आया मैं। ये बब्बन त्रिपाठी जैसे लोग अपनी खाकी वर्दी को कर्चीफ की तरह, जस्ट हैंड कर्चीफ की तरह यूज कर रहे हैं। विजय, जिस दिन तुमने ड्यूटी ज्वाइन की उस दिन गट्स देखे तुम में। त्रिपाठी जैसे लोगों को मारने का साहस, एक आत्मविश्वास दिखा था तुम में मैंने। तुम में मैंने एक नई हिम्मत देखी है। हमारे डिपार्टमेंट में जो सिंसियरिटी मर रही है उसे अकेले तुम ही बचा सकते हो। यू आर द वन एंड ओनली वन। बब्बन त्रिपाठी जैसे लोगों को जेल में डालकर भी वो बेल लेकर 2 महीने में बाहर आ जाते हैं। नो, उन सबको मार डालो। कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, मार डालो। जाओ सबको मार डालो। छोटे बैठो। डायरेक्ट मैटर पर आता हूं। बेकार में गुस्सा होकर मैंने तेरे फ्रेंड को मारा, उसके बदले में तूने मेरे बेटे को मारा। देखो छोटे, तेरी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, जो होना था वो हो गया, सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, तुम मेरे सामने मत आना। वो फाइल मुझे दे दो। कौन सी फाइल? क्यों फिर अपन त्रिपाठी से नाटक करता है? भाई 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 भाई, वो कमिश्नर ना मिनिस्टर को अरेस्ट किया भाई। हाँ? तू दारू बेचने वाला है और तुझे ही इतना दिमाग है तो मैं आईपीएस, मुझे कितना दिमाग होना चाहिए? हाँ? इसे यही जमीन में गाड़ दो। Thank you.
तुम लोग उधर से जाओ, मार डालो उसे। जाओ जाओ जल्दी ऊपर जाओ, मार डालो उसे। Well done.